महानायक अमिताभ बच्चन अपनी आने वाली फिल्म पिंक के प्रमोशन में जोरों शोरों से जुट गए हैं। पिंक फिल्म के प्रमोशन के दौरान अमिताभ ने महिलाओं के अधिकारों पर खासा जोर दिया। यह फिल्म महिला केंद्रित है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक वकील की भूमिका निभाई है। इस फिल्म के निर्देशक सुजीत सरकार हैं, जिन्होंने फिल्म पीकू का निर्देशन किया था। फिल्म पीकू में अमिताभ बच्चन ने दीपिका पादुकोण के पिता का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की थी। पिंक के प्रमोशन के दौरान ही अमिताभ ने फिल्म पीकू से जुड़े कई खुलासे किए। अमिताभ ने बताया कि पीकू में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को उनकी तुलना में ज्यादा रकम दी गई थी। इससे दो बातें साफ होती हैं, पहली ये कि दीपिका मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा मैंने बहुत लंबे वक्त से काम करते रहने के चलते अपना प्राइस टैग खो दिया है, शायद मैं अब उतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ। आपको बता दें कि फिल्म पीकू के बाद अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के बीच मनमुटाव की खबरें आई थी और माना जा रहा था कि मनमुटाव की वजह दीपिका को ज्यादा रकम देना है। बिग बी के इस खुलासे से ये साबित होता है कि दीपिका की मार्केट वैल्यू सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से ज्यादा है। वैसे भी फोर्ब्स मैगजीन ने दीपिका को विश्व की 10 सबसे कमाऊ अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया है। देखते रहिए टीवी लाइव।